नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 233 पर, जो परमेश्वरपुर गांव के पास पड़ता है और यहाँ से गुजर कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से रोडवेज की बसें भी निकल रही हैं, ये रोडवेज की बस आ रही है जो लखनऊ तक जाएगी, आजमगढ़ से दिल्ली तक ये बस जा रही है। यहाँ से कुछ दूर पर गांधी आश्रम है और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मल्टीप्लेक्स है, यानी सिनेमा हॉल। पहले यहाँ विजय पैलेस के नाम से हुआ करता था, ये विजय पैलेस के नाम से संचालित था। कुछ दिनों तक ये बंद रहा, बंद होने के बाद जो है पुनः इसका वो नवीनीकरण करके जो इसको मल्टीप्लेक्स बना दिया गया है, आप देखिए। और इस समय इसमें जो है फिल्म चल रही है लोकतंत्र, इसमें जो डेली का शो चलता है, जितना शो अलाउड है उतना शो इसमें चलता है। और नीचे कैफे हाउस है, चाय हाउस है और दुकानें भी बनाई गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और बगल से जो पार्किंग की जगह निकाली गई है इस तरह से, साइकिल स्टैंड इधर रहा और इसके बगल से जो है धर्म कांटा है। तमाम तरह की चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ये विजय पैलेस से जो है बेहतरीन इस बार जो है मल्टीप्लेक्स इस सिनेमा हॉल को बनाया गया, 3 मंजिला इमारत इसको बनाया गया। आपके सामने है, देख लीजिए, RD मल्टीप्लेक्स, चाय और हाउस और कैफे, यहाँ बॉक्स ऑफिस, यहाँ जो बुकिंग होता है टिकटों का, आप यहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, आप जैसे भी है वहाँ ऐसे बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इस समय यहाँ जो फिल्म चल रही है लोकतंत्र, तो अतरौलिया में भी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुल गया RD मल्टीप्लेक्स के नाम से करके। पहले यही विजय पैलेस हुआ करता था, जो विजय पैलेस के मालिक थे वही जो है इसके भी मालिक हैं और उसी वही जो इसको संचालित करवा रहे हैं। ये रास्ता जो सीधा अयोध्या की तरफ जाता है और यहीं जो ये रास्ता आजमगढ़ की तरफ जाता है, आप देखिए। अब बगल में जो है गांधी आश्रम है और एक हॉस्पिटल है, सारी सुविधाओं से जो है लैस कोई दिक्कत नहीं है। अब बगल में देव डायग्नोस्टिक सेंटर है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।